नहीं सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके ही प्रोग्राम हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट मेहमान हम जिनसे बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, हमारे साथ मौजूद हैं उदय चावला जी और मिस्टर रोनेश पुरी। समय के साथ कदम मिलाता और हर पल जीवन यापन की दौड़ में प्रयत्नशील है आज का युवा, पर क्या इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट सोशली वाइज है? क्या उसे सोशल ग्रेसेस का ज्ञान है? आइए हम जानते हैं कि इंटरव्यू के समय ड्रेसिंग, ईटिंग, टॉकिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक इंटरव्यू हुआ बहुत ही सीनियर कैंडिडेट का एक बहुत बड़ी कंपनी में, क्योंकि वो मेरे साथ पहले काम कर चुका था और अब मेरा एज अ जूनियर आने वाला था, तो मैंने उसको सबसे पहले ये पूछा कि आप मेरे को सर बोल पाओगे कि नहीं, और अगर उसका आंसर होगा यस तो मैं उसको लूंगा, और अगर होगा नो तो मैं उसको नहीं लूंगा। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? अगर कोई पूछता है कि आप मुझे सर कहेंगे कि नहीं, ये एक्चुअली कैंडिडेट को अपने आप सोच के ट्रू आंसर देना चाहिए मेरे हिसाब से। यू नो, मैं तो बताता हूँ कैंडिडेट का आंसर क्या था। हाँ जी, कैंडिडेट का आंसर था कि सर मैं मिस्टर सोएंसो मैं आपको साहब बोल दूंगा। बताइए। ये एक्चुअली ज्यादा, जैसे रोडेश जी ने कहा, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है क्लाइंट के ऊपर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ना कि वो कहीं मतलब मैं आप दोनों की अगर बात समझाऊं तो कहीं पर आप दोनों कह रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादति कर रहे हैं क्लाइंट, ये क्वेश्चन ये प्रश्न पूछ के थोड़ी सी कहीं ज्यादति कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको मिस्टर या साहब से भी कंफर्टेबल रहना चाहिए। पर अगर ये भी हो सकता है पवन, और ये भी हो सकता है कि वो देखना चाहते कि उनकी जो कंपनी की विचारधारा हो वो कुछ और हो। अगर वो कंपनी की विचारधारा है कि वो सर कल्चर है तो वो जरूर देखेंगे ये सर कल्चर में होता है कि नहीं, और अगर उसके लिए तो चेंज नहीं करेंगे ना। अगर वो कैंडिडेट सर बोल सकता है तो उसको बोल देना चाहिए यस, अगर वो नहीं बोल सकता तो उसको बोल देना चाहिए नहीं, क्योंकि क्या फायदा उसका कि उसने बोल दिया हाँ हम कह सकते हैं तो वो नहीं बोल सकता और फिर बाद में उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। आई फुली अग्री विथ यू, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एक पर्टिकुलर कल्चर में इसलिए अडेप्ट नहीं हो पाते क्योंकि वहां पर सरिंग होती है एंड दे आर नॉट ओके टू सरिंग। You know, and I am talking about Premier Management Institute people also. जैसे कि मैं ऐसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता जहां पर सर बोलना पड़े। हाँ, आप कुछ कह रहे थे रोनेश? आई मीन जो कंपनी का कल्चर है वो ध्यान में रख के कहना चाहिए, और इसमें अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने पूछा कि भाई इसका क्या सही आंसर होगा, अगर वो एक्चुअली कैंडिडेट अडेप्टेबल है तो उसको अगर वो ये कहे कि भाई जैसा आपका कल्चर है मैं उसके मुताबिक चलूंगा, ये थोड़ा वो कंफर्ट वेल देगा कि ये अडेप्टेबिलिटी है इसमें, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ये उस आपके ढल जाएगा, अपना नहीं थोपेगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने बोला। दूसरा प्रश्न मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूंगा, आप लोग जो इंटरव्यूज करते हैं कई बार बहुत ही वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपने लंच पे बुला लिया अपने कैंडिडेट को, तो वहां पर क्या गलतियां हो जाती हैं और किस तरह से उसको करेक्ट करना चाहिए? देखिए, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो हम करते हैं हम सर्च करते हैं, और हमने देखना है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो कई होती हैं जो क्लाइंट जो बड़े कल्चर सेंसिटिव होते हैं, राइट, और कल्चर सेंसिटिव जो क्लाइंट होते हैं हम लोग अक्सर वहां पर उनको मील्स के लिए बुलाते हैं कैंडिडेट को, क्यों हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे डील करते हैं और वो कल्चर में के मुताबिक ढलेंगे कि नहीं ढलेंगे। करेक्ट, और आपने सही ये विषय उठाया है। कई बार देखा गया है कि इसमें कई कैंडिडेट्स इसमें वांटिंग होते हैं। अब आपका बड़ा फॉर्मल वेस्टर्नाइज कल्चर है, उसका एक तरीका है कि जहां पर डाइनिंग होगी और ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इवेंट्स बहुत होंगे, तो अगर उसमें क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पर इसके अकॉर्डिंग होमवर्क करके लोग वैसे करें या नहीं, इसमें कई बार देखा गया कि नहीं करते हैं।
पर इसमें एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इस पॉइंट में अगर 10 साल पहले और अब देखा जाए तो इसमें एक्सेप्टेबिलिटी और टॉलरेंस लेवल जो है कि इसमें अगर आप कल्चरल डिफरेंस है ये काफी एक्चुअली फॉरवर्ड हुआ है। अब एक्सेप्टेबिलिटी और टॉलरेंस लेवल जो कंपनियों के हैं इन चीजों में ये अब काफी हाई हो रहे हैं, पहले बहुत ही कम होते थे। वो चाहते थे कि भाई जैसे आपने ग्रीट करना है, आपने डाइन करना है, छोटी सी छोटी चीजें आप कंपनी के जो मेथड या सिस्टम है उसके मुताबिक चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये बहुत ज्यादा होता था, स्पेशली यूरोपियन जो मल्टीनेशनल्स थी। पर अब ये थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हुआ है और साथ में एक तरफ तो कम हो रहा है और एक तरफ से उठ भी रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जर्मनी में एंजेला मार्केल ने बोला दैट जो कल्चर्स हम समझ रहे थे कि साथ रह के को एग्जिस्ट कर लेंगे वो नहीं हो पा रहा, उनको एक दूसरे में मर्ज करना पड़ेगा, उनको क्रिश्चियन और यूरोपियन आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो ये दूसरा भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। सो फॉर एग्जाम्पल आप तो उदय जी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करते हैं, अब कैंडिडेट आया आपके पास, आपने उसको 5 स्टार में लंच के लिए बुलाया, कुछ ऐसी गलतियां उसको नहीं करनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल नूडल्स बुला ली उसने खाने के लिए, अब खाएगा वो संभालेगा नूडल्स को, वो गिरते रहेंगे कि आपसे बात करेगा, या चिकन विद बोन्स बुला ली या ड्रिंक बुला ली, आई थिंक ड्रिंक भी अवॉइड करनी चाहिए, इस तरह की और क्या गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए जब वो आपके साथ डाइन कर रहा है, क्योंकि उसको डाइनिंग भी संभालनी है और आपके क्वेश्चंस भी संभालने हैं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, कैंडिडेट को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो क्या क्या ऑर्डर कर रहा है। शुरू में ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, यू नो कि, पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट ड्रिंक कर रहा है और क्लाइंट चाहता है कि वो ड्रिंक करें तो उनको छोटी ड्रिंक लेनी चाहिए। ये नहीं कि उनको बिल्कुल ही यू नो पटियाला पैग ले लिया और यू नो क्योंकि क्लाइंट्स कभी कभी ऐसे आपको इनकरेज करेंगे यू नो टू लोअर योर गार्ड। तो आपको ड्रिंक करना गलत बात नहीं है, पर यू नो इतनी कम करो कि आपके सेंसेस में फिर भी रहे आप और सारे आंसर दे सकते हैं आप। और दूसरा जो आप ऑर्डर करते हैं जैसे आपने ठीक बोला नूडल्स हो गया यू नो ऐसी चीजें, बड़ा सैंडविच हो गया जिस ये चीजें ऑर्डर करिए जैसे आप आराम से बोल सके, बात कर सके, और क्योंकि आपको ज्यादा बात करनी है करेक्ट, तो ऐसा कोई चीज ना लें टेबल में जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन, या बहुत एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर कर देना मेरे ख्याल से वो भी नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं सबसे एक्सपेंसिव डिश देखिए वही ऑर्डर कर दिया ऐसा हुआ कभी आपके साथ नहीं? कभी हुआ है पर नोटिस नहीं किया क्योंकि हमारी ज्यादातर हम जो करते हैं हम सर्चेस करते हैं बहुत हाई लेवल की होती हैं, तो वो आई थिंक सारी उतनी एक्सपेंसिव होती है खाते वक्त मुंह खोल देना और फिर बात करना, सो दैट इज ऑल्सो टू बी अवॉइडेड। एनी अदर पॉइंट कैंडिडेट को ज्यादा फिर सुनना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, एक होता है क्या कभी कभी कैंडिडेट डिनर पे गए उन्होंने कहा आप तो यू नो हम इनफॉर्मल सेटिंग में आ गए हैं एंड थोड़ी ड्रिंक भी ले ली, मेरा ये रहेगा कि यू नो भगवान ने हमें 2 कान दिए एक मुंह दिया है तो हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बात कम करनी चाहिए। सो क्योंकि जितना हम ज्यादा सुनेंगे और उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे उसी प्रकार से हम उनको ज्यादा रिप्लाई ठीक दे पाएंगे, आपकी नीड को समझेंगे। आपका कोई पॉइंट इस पे? हाँ, इसमें कई एक्चुअली बताइए कंपनियां ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक्चुअल रियल इंटरव्यू स्टार्ट करती है 2-3 रिंग के बाद जब कैंडिडेट का गार्ड लोअर होता है और काफी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी कंपनियां बताती हैं कि भाई वो इसमें सक्सेसफुल होती हैं। बड़ी खतरनाक कंपनीज लग रही है वो कहते हैं कि जब पहले ड्रिंक्स में वो कुछ और कहते हैं, 3 ड्रिंक के बाद तो उसने मुझे ये बोला ओके तो ये जो ज्यादा ड्रिंक करना ये बहुत महंगा होता है, आप अपनी कैपेसिटी से ओवर कभी भी मत जाइए। हाँ ओके, ईमेल आईडीज यंग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पर्टिकुलरली ईमेल आईडीज भी कभी कभी ऑकवर्ड लगते हैं कि उनको अप्रोच करने के लिए कंपनी लेटर भेजने वाली है, ईमेल भेजने वाली है, और इनका ईमेल आईडी है cometobebaby@yahoo.com और iluilu@hotmail.com सो ऑन। इस ये भी थोड़ा सा चेंज नहीं करना चाहिए क्या उनको? आई थिंक यंगस्टर्स के लिए उनको आई थिंक 2 ईमेल होने चाहिए उनके पास, क्योंकि अगर आपके पास 1 ईमेल है तो उसमें इतने सारे आपके दोस्त के रिप्लाई आते होंगे तो मेल बॉक्स ही पूरा भर जाएगा। करेक्ट, और जो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल होगा वो 1 out of 100 होगा तो आप यू कैन ऑल्सो मिस इट।
सो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि यू नो यंगस्टर शुड हैव टू ईमेल्स, वन फॉर वर्क और एक फ्रेंड्स के लिए. और दूसरी एक और चीज है, आजकल सारे यंगस्टर्स फेसबुक में हैं. सो बहुत कंपनियां जो हैं आजकल स्क्रीन करती हैं फॉर यंगस्टर्स, वो उनके फेसबुक के अकाउंट में जाके स्क्रीन करती है. ओके वो आपकी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं या किस तरह के कमेंट्स लिखते हैं आप. कमेंट्स फोटोग्राफ्स होती हैं सारी वहां. सो आप जैसे आप मिलने आए, आपने सूट पहना है और आप अपने बेस्ट यू नो मैनर्स में है, फिर कंपनी जाके आपके फेसबुक में देखती है जिसमें आपने विस्की पकड़ी हुई है और आप यू नो ज्यादातर आपकी 50 फोटो में आप यू नो 40 में तो यू नो if you're not doing okay, that speaks a lot about you. So my advice is not कि आप फेसबुक जाना छोड़ दें या enjoy करना बंद कर दें. अपनी security settings फेसबुक की आप limit कीजिए, you know, because अमेरिका में भी अब इंडिया में भी बहुत कंपनियां आपकी फेसबुक में जाके रेफरेंस चेक करती हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हम पर्सनल जल्दी हो जाते हैं, ये भी इसके बारे में बताइए और कुछ वाक्य बताइए. ये भी कई बार काफी बार देखा गया है कि ओवर फ्रेंडली और क्या प्राइवेट है क्या पब्लिक है और क्या अप्रोप्रिएट है, इसका डिफरेंस जरा भूल जाते हैं. और हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि स्पेशली अगर आप मल्टीनेशनल्स में डील कर रहे हैं और वहां पर कि वहां पर जो प्राइवेट लाइफ हर एक बंदे की है वो उसकी प्राइवेट है, वो उसको शेयर नहीं करना चाहेगा. करेक्ट. और आप उस पर आप इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स करें या पूछने लग जाएं, ये बात गलत है. इंडिया में क्योंकि ये प्राइवेट और पब्लिक जो है ये मिक्स हो जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, तो यही हम छोटी छोटी चीजों पे भी ले आते हैं. सो कई बार होता है क्लाइंट आपको पूछता है कि भाई आप क्या क्या कोई प्रश्न है, और ये अक्सर 95% में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप प्लीज आस्क क्वेश्चन, कि वो ये देखना चाहता है कि इसकी क्या अवेयरनेस है, इसकी क्या क्यूरियोसिटी है. और उस टाइम आपको कुछ पूछना चाहिए, आप अगर एकदम क्वाइट है वो भी गलत है. अब लोग उस टाइम में जाके उसके प्राइवेट पूछने लग जाते हैं क्या. हाँ मैं ये फोटोग्राफ किसकी है आपकी टेबल ये फोटोग्राफ इसके क्या है, आपकी वाइफ है क्या, या अपने प्राइवेट कोई चीज अपने बारे में उसके बताए. हाँ वो सोचते हैं कि इसके लिए मैं इसमें इसके लिए मैं दोस्त बन रहा हूँ, मैं फ्रेंड हो रहा हूँ, वो अप्रोप्रिएट थोड़ी है. करेक्ट. ये आपकी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग है, आप भी उसके दोस्त नहीं बने हैं. एग्जैक्टली. तो आप उसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछें वो प्राइवेट लाइफ पे तो प्लीज ना जाएं. करेक्ट. और इसको हमेशा अवॉइड करें. किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जब ऐसा सवाल आए तो. नहीं, आप तो जॉब पर रिलेट करिए. जॉब पर आपको जॉब के अलावा कुछ नहीं वहां पर पूछना चाहिए. और कंपनी का जो है प्रश्न, ये आपको होमवर्क करके आना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू में आए. कई बार बेसिक क्वेश्चन कंपनी के बारे में जैसे कर पूछ लेते हैं जो कि वेबसाइट पर होती है. Correct. अगर कैंडिडेट कुछ उसके होमवर्क करके नहीं आ रहा है, ये उसके बारे में बहुत कुछ बताता है. Absolutely. तो आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है. कुछ बताता वो आप कितना डीप्स पे जा रहे हैं, कितना डेप्थ पे जा रहे हैं, कितना आप फॉर द सेक ऑफ आस्किंग पूछ रहे हैं और कितना इन अप्रोप्रिएटली आप उसके पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं, उस वहां पर ये देखना पड़ता है. तो आपको ना अगर पूछना है और पूछना चाहिए वो जॉब के बारे में पूछ. जॉब के बारे में. और ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और कॉमन नॉलेज. और पर्सनल पॉलिसी पे भी ज्यादा नहीं पूछना चाहिए. पर्सनल भी आपके जो चीजें पर्सनल पॉलिसी पे. हाँ उसके बारे में भी नहीं, क्योंकि अभी आप वहां पर तो पहुंचे नहीं. पहुंचे हैं ना. अब जो भी कंपनी कोई भी कैंडिडेट लेता है वो काहे के लिए लेता है, उसके एक्चुअली कॉम्पिटेंसी के लिए इतना नहीं लेता है. वो देखना चाहता है कि इसमें कितना पैशन है, बिकॉज हर एक आदमी विनर ले हायर करना चाहता है, कोई लूजर नहीं. और आजकल कंपनियां वो चाहती हैं कि जो कि किसी उसमें एबिलिटी हो टू मेक थिंग्स हैपन, कि वो कुछ कर पाए, कोई कंपनी दिखा चाहे. अगर उसको हम 20 लाख दे रहे हैं तो हमें 1 करोड़ वापस दे रहा है. Correct. कुछ करके तो उसमें कुछ क्षमता है. तो उसमें जो पैशन होना चाहिए जॉब का वो उभर के आना चाहिए. और वो आप जब क्वेश्चन पूछे उस पर आप ध्यान दें और वो उसको उभर के लाए तो देट विल गो इन योर फेवर. पर कई बार है कि यही इस लास्ट जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होता है एनी क्वेश्चन जो यू हैव, और उसमें आपने बहुत अच्छी इंटरव्यू की है, जो लास्ट आपका जो फाइनल माइल है उस पर जाकर आप ऐसा इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आपको स्कोर आउट कर देता है. ये नहीं करना चाहिए. आप